বারামতি, শরৎ পাওয়ারের দুর্গ। এই দুর্গে এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি। এই 2019 লোকসভা নির্বাচন শরৎ পাওয়ারের কাছে একটা ধর্মযুদ্ধও বটে, কারণ তিনি নিজে নির্বাচনে লড়ছেন না বটে, কিন্তু এবারেও এই বারামতি কেন্দ্র থেকে তার কন্যা সুপ্রিয়া সুলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবতীর্ণ। মনে রাখতে হবে 2009 সুপ্রিয়া সুলে যে ব্যবধানে জিতেছিলেন প্রায় 3 লক্ষের কাছাকাছি, 2014 সেই ব্যবধান কমে দাঁড়ায় 70,000-69,000। ফলে এবারে কিন্তু যুদ্ধটা অনেক কঠিন, কারণ বিজেপি এবারে দাঁতে দাঁত দিয়ে এই কেন্দ্র নেওয়ার জন্য মরিয়া। অমিত শাহ বলেই দিয়েছে যেভাবে হোক বারামতি তার চাই। 2014 মে সুপ্রিয়া জি কা মার্জিন বহুত কম হো গিয়া, 2009 সে জি 3,69,000 69,000 জি। কারণ কে হ্যা, 2014 মে জব সুপ্রিয়া জি দূসরি বার সাংসদ কে তোর পর খড়ি থি, वहाँ बहुत सारी चीज़ें थे जिसने उस इलेक्शन को बहुत बड़ी पैमाने पे इन्फ्लुएंस किया। सबसे बड़ी चीज़ तो उस बार मोदी वेव थी, जिस मोदी वेव में बहुत सारे बड़े बड़े लोग को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। ऐसे मोदी तूफान में भी सुप्रिया ताई डट कर खड़ी रही और उनका लीड कम हुआ, लेकिन फिर भी वो 69,000 की बड़ी मार्जिन, जो 69,000 की बड़ी मार्जिन से उस वक्त भी चुन के आई। उस वक्त भी सुप्रिया ताई जी ने जो भी काम किए थे, आदरणीय पवार साहब जी ने उनके सास उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में जो काम किया था, उसके काम के इसके ऊपर ही सुप्रिया ताई उस वक्त चुन के आई थी। और उस वक्त और भी एक मेजर फैक्टर जो महाराष्ट्र में था वो धनगर आरक्षण का, जिसमें काफ़ी सारे जगहों पे जहाँ जहाँ धनगर समाज के वोट्स ज़्यादा थे, वहाँ पे थोड़ा सा कांग्रेस और एनसीपी के बारे में एंटी इनकम्पेंसी था, क्योंकि उनको हम रिजर्वेशन देने का जो इशू था वो बहुत हॉट इशू था उस वक्त महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में। ऐसे मोदी जी का एक तरह से बहुत बड़ा चुनावी कैंपेन, और दूसरे तौर पर जो अपना धनगर आरक्षण का जो मुद्दा था, ये दोनों मुद्दों के कारण सुप्रिया जी का लीड कम हुआ था, ना कि काम के बिना पर। उनका काम उस वक्त भी बहुत अच्छा था और आज भी बहुत अच्छा है। এখন এখানে টান টান উঠতে চলা আনন্দবাজারে